हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं रोहित रजब ब्लॉग। सो गाइस, आज छठ पूजा और अभी तक मैं रेडी नहीं हुआ क्योंकि मैं ना घाट बना रहा था और है सच के अड़क। तो चलो मैं दिखाता हूँ अपने इधर का छठ पूजा। वैसे गाइस, आज ना डॉक्टर रंजीत सर के यहाँ कोई भोजपुरी का प्रमोद प्रेमी आने वाला है। सो गाइस, देख सकते हो हमारे इधर का घाट कुछ इस प्रकार का है, सिंपल सा और अच्छा है काफ़ी। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा ये घाट। और अभी सब लोग आ चुके हैं, बस अब थोड़ी देर में सब पानी में जाएंगे और अड़क देंगे। सो गाइस, मैं ना अभी रंजीत सर के आया हूँ छठ पूजा देखने। यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छा से छठ पूजा को ना मनाया जाता है और मेरे साथ महादेव आता है। देख सकते हो गाइस कितने ज़्यादा लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है भाई जब ज़्यादा लोग एक साथ करते हैं ना वहाँ पे देखने में। और गाइस, मैं ना बात कर रहा था शुरू में जो एक गायकर के बारे में, तो देख सकते हो उसका स्टेज बन चुका है। भोजपुरी के कोई सिंगर है प्रमोद प्रेमी करके, वही आ रहा है। देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लगता है जब सारे लोग एक साथ करते हो। वैसे आप कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो को, अगर बिहार से देख रहे हो तो आपके छठ पूजा होते हैं कि नहीं ये बताना कमेंट में। देख सकते हो दोस्तों, अभी पूजा खत्म हो चुका है और देख सकते हो रंजीत सर माथा पे दौरा लेकर जा रहे हो अपने घर की तरफ। उनका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बगल में ये जो ब्लू वाला घर दिख नहीं रहा था वही है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं रंजीत सर के यहाँ पे, एक प्रमोद प्रेमी करके कोई गायकर आ रहा है भोजपुरी का, तो उसी का स्टेज शो देखने के लिए। तो चलो ब्लॉग में बने रहना भाई। यही है भोजपुरी का प्रमोद प्रेमी सिंगर है और ये भी ना अपना गाना सुना रहे सभी को गाकर छठ पूजा का। तो चलो मैं आपको भी सुनाता हूँ। भाई अब थोड़ी देर में ना झांकी होगा तो वो दिखाता हूँ आपको। गाइस देखो, मार इसलिए होता है ना क्योंकि कोई पत्थर चला के रंजीत सर के ऊपर फेंक देता है और वो पत्थर जाकर रंजीत सर की आँख पे लग जाता है और उनका आँख फूल जाता है। इसके लिए जो वहाँ के वॉलंटियर होता है ना, वो लोग मतलब जो रंजीत सर को मारा था उसको मारता है। मार हो गया। पत्थर कौन चलाने वाला आया है, पता है ना कि यहाँ पे CCTV कैमरा भी है, कैमरा भी चल रहा है, बुलाइए। और गाइस देख सकते हो हमारे घाट के बगल में एक और घाट बना था। ये घाट कितना अच्छा लग रहा है देखने में, लाइट उट से और गुब्बार से सजाया गया, काफ़ी अच्छा लगता है। छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा बना है। तो गाइस सभी सुबह हो चुका है और अभी सब पानी में उतर गए और सूरज देव के उगने का इंतजार कर रहे हैं। तो ना मैं म्यूज़िक लगा दे रहा हूँ, आप वीडियो को एंजॉय करोगे। देखो देखो इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हमारे तरफ काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी यूनिक तरीके से छठ पूजा को मनाया जाता है।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।